यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा क्या चारा, और खाने जात खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जावे और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को, उसी तरह रखना, जो रखो तो ही रहूं, जैसे रखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं, राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे, जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं हैं। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी, वह संपत्ति आपकी कहाँ थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री हैं, पोते पोती होगे, देवता देवती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर, हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है, तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहां दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सब का लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु, और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। सर्वपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले।